हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति। फ्रेंड्स, कड़ी पत्ते के पेड़ को ये फरवरी के महीने में प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये इस टाइम न्यू न्यू ब्रांचेस निकालने लगता है। तो अगर प्रूनिंग कर देंगे तो आपका जो ये कड़ी पत्ते का पेड़ है बहुत ही अच्छी तरीके से घना हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो नीम ये कड़ी पत्ते का पेड़ है, इसको मीठी नीम भी बोला जाता है। और फ्रेंड्स, ये हमारी किचन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक औषधीय पौधा है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, ये नमकीन में, सांभर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ये जो प्लांट है, साउथ में तो खास करके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका किया जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, ये इस टाइम मेरा प्लांट बहुत अच्छा है, बुशी है, पर मैं इसको प्रूनिंग करूँगी, क्योंकि और अच्छी तरीके से इसके अंदर न्यू न्यू शूट्स जो ब्रांचेस आएंगी, तो उससे ये मेरा प्लांट काफ़ी घना हो जाएगा। और फ्रेंड्स, खाद भी इसी टाइम इसको मैं दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको मैं प्रूनिंग करती हूँ, इसकी कटिंग करती हूँ ऊपर से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इस जगह से इसको काटूंगी, तो जो नई नई ब्रांचेस आएंगी बहुत ही अच्छी तरीके से आएंगी। ऐसे ही ये दूसरी भी टहनी मैं काट दूंगी इसी तरीके से। और फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास पत्तियां निकली हैं, इनको मैं फेंकूंगी नहीं, इनको मैं सुखा के अपने किचन में इस्तेमाल करूंगी। और फ्रेंड्स, जहां से इसको काटा है, इसके ऊपर या तो आपके पास फंगसाइड है वो लगा दीजिए, नहीं तो आप इसके ऊपर हल्दी लगा दीजिए। अब बात करते हैं इसकी खाद की, कि इसको कौन सी खाद दें। ये मेरे पास पुरानी गोबर की खाद है, मैंने थोड़ी सी ये ले ली है, और इसके अंदर मेरे पास ये नीम खली है, थोड़ा सा मैं इसको इसके अंदर मिला लूँगी। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा ही मैं इसके अंदर फंगसाइड पाउडर को मिला लूँगी, ज़रा सा इसके अंदर मिला लेंगे, और मिलाकर अच्छी तरीके से इसको ये मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं अपने प्लांट में डाल दूँगी। फ्रेंड्स, इसके अंदर गुड़ाई करने के बाद थोड़ी सी मिट्टी मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी। ये देखिए इसकी मिट्टी। और फ्रेंड्स, कड़ी पत्ते के पेड़ को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, इसकी आप मिट्टी चेक कर तभी पानी दें। अब इसमें से थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेंगे इस तरीके से। अब मिट्टी निकालने के बाद जो मैंने इसके अंदर ये खाद बनाई थी, इसको इसके अंदर डाल देंगे। ये फ्रेंड्स खाद है, इसके अंदर इसको थोड़ा थोड़ा सा करके किनारे किनारे सारी इस तरीके से डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हिलाकर जो मिट्टी निकाली थी वापस से इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद इसके ऊपर पानी डाल देंगे। इसके अंदर फ्रेंड्स पानी अच्छी तरीके से डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर दी है, और इसके अंदर खाद डालकर इसको पानी भी दे दिया है। आपको मेरी ये मीठी नीम कड़ी पत्ते के ऊपर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।